मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना तो अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वो ना सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वो उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के समान जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का ऋणी था। जब चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका ऋण क्षमा किया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तेरे ऊपर ऋण है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा,
धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसी ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा।